आज हम आटे के मालपुए बनाएंगे, जो बनाना तो बेहद ही आसान है, पर कुछ गलतियों की वजह से ये परफेक्ट नहीं बन पाते हैं। इस वीडियो में आपको सारे ट्रिक्स बताएंगे, जिससे आप भी परफेक्ट मालपुए बना पाएंगे। सबसे पहले आप एक बाउल लीजिए, जिसमें आटे के घोल को अच्छे तरीके से तैयार कर सके। अब एक कप गेहूं का आटा लीजिए। तो मैंने एक तिहाई हिस्से में गेहूं का आटा लिया है और इसे छान करके लिया है। आप देख सकती हैं, एक कप से थोड़ा ही कम है ये। इसे बाउल में ऐड कर देंगे। जिस मेजरिंग कप से गेहूं का आटा लिया है, उसी मेजरिंग कप से चौथाई हिस्से में सूजी को लेंगे और स्पून से नापा जाए तो यह 6 चम्मच सूजी है। इससे मालपुए को क्रंचीनेस मिलेगी। इन्हें फ्लेवरफुल बनाने के लिए 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड कर सकते हैं। 1/2 चम्मच सौंफ का पाउडर ऐड करेंगे। इससे मालपुए और भी टेस्टी बनेंगे। सभी पाउडर इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर दें। एक कप गुनगुना दूध ले लें, जो रूम टेम्परेचर का हो। आप उंगली को डुबा करके देख सकते हैं। दूध को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे, फिर मिक्स करते जाएंगे, फिर थोड़ा ऐड करेंगे, फिर मिक्स करें। इस तरीके से लम्प्स फ्री बैटर बना करके तैयार करना है। इस बैटर को बनाने के लिए 1 कप से थोड़ा ज्यादा, यानी कि 2 से 3 टेबल स्पून दूध एक्स्ट्रा ऐड किया है। इसे कुछ देर फेंटना है ताकि ये बढ़िया सा स्मूथ बन करके तैयार हो। इस बैटर को चेक करने के लिए स्पून का सहारा ले सकते हैं। बैटर कंटिन्यू एक ही तार से गिरना चाहिए। स्पून पे इस बैटर की कोटिंग से परफेक्टनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसे ढककर के रख देते हैं ताकि जो हमने सूजी ऐड किया है ना, अच्छे से फूल जाए। चलिए मालपुए की चाशनी बना लेते हैं। तो गैस पर एक कढ़ाई या इस तरीके का कोई भी पैन ले सकते हैं। उसमें 1 कप शुगर ऐड कर दीजिए और 1 कप ही पानी को ऐड कर देंगे। अब गैस को ऑन कर देंगे। इसे कुछ देर चला देंगे ताकि शुगर अच्छे से घुल जाए। 3 से 4 मिनट बाद आप देखेंगे शुगर मेल्ट हो चुकी है। 2 से 3 इलायची को मैंने तोड़कर ऐड किया है। आप केसर ऐड कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को बढ़ा देंगे ताकि चाशनी जल्दी से बन जाए। 1 या 2 तार की चाशनी नहीं लेना है, सिर्फ थोड़ी सी चिपचिपी चाशनी ही चाहिए, जिसे मालपुए अच्छे से डिप हो सके और चाशनी को सो कर सके। ये तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। चलिए मालपुए बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे। कढ़ाई का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें ताकि मालपुए बनाने में आसानी हो। इसमें घी या ऑयल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बैटर को चेक कर लेते हैं। सूजी परफेक्ट तरीके से फूल चुकी है। मालपुए बनाना स्टार्ट करते हैं। घी या ऑयल गर्म हो गया है ना, तब गैस की फ्लेम को लो कर दें। इसके बाद एक ही डायरेक्शन में आपको बैटर ऐड करना है। इसे बार बार छूने की कोशिश ना करें जब तक ये सिक ना जाए। जैसे ही नीचे साइड से गोल्डन ब्राउन होने लगता है, तब गैस की फ्लेम को मीडियम करना है ताकि अंदर से भी सिक जाए। ऊपर से ऑयल स्प्रेड कर सकते हैं। अब पलट देना है। ये देखिए एक साइड कितना बढ़िया हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे भी सेक लेते हैं, थोड़ा सा दबा सकते हैं और इस तरीके से सिकने के बाद निकाल लेंगे। दूसरा भी इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो हमें एक ही डायरेक्शन में बैटर को ऐड करना है। थोड़ा सा ऊपर से फैला सकते हैं ताकि ये परफेक्ट गोल बने और बहुत ही ज़्यादा फूले ना। कुछ इस तरीके से सिकने के बाद पलट देना है। इसे भी बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने के बाद निकाल लेना है। इन गरम गरम पुओं को चाशनी में ऐड करते जाएंगे ताकि चाशनी को अंदर से सोक कर लें और ये रस भरे पुए बनकर तैयार होंगे। ये पुए तैयार होने के बाद प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरे पुए भी ऐड करते जाएंगे। इस तरीके से हमारे पुए बन करके तैयार हो जाएंगे। जो ट्रिक हमने बताए हैं, उसे फॉलो करते हुए आप भी परफेक्ट मालपुए बनाइए। इन्हें आप पिस्ता, बादाम या अपने पसंद के ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर सकते हैं। आप भी फेस्टिवल पर मालपुए बनाइए, एंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा करके इंडियन किचन क्वीन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।